टारगेट विद डीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। चलिए शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं सबसे पहले जूनियर एडिड शिक्षक भर्ती की। कोर्ट से रास्ता साफ, शासन में फंसी जूनियर एडिड शिक्षक भर्ती और एडिड जूनियर हाईस्कूल में प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक के 1894 पदों की भर्ती पहली बनी हुई है और आजकल विद्यार्थी लगातार इस भर्ती को लेकर के दबाव बनाए हुए हैं और समाचार पत्रों के माध्यम से लगातार जानकारियां मिल रही हैं। उच्च अधिकारियों से विद्यार्थी मिल रहे हैं, नेताओं से विद्यार्थी मिल रहे हैं। जहां पर कल विद्यार्थी मुख्यमंत्री जी के मुख्य सलाहकार से मिले थे, वहीं पर विद्यार्थी जो कांग्रेस के नेता है अजय राय से भी मिले थे। यहाँ पर लिखा एडेड जूनियर हाईस्कूल शिक्षक भर्ती 2021 के अभ्यर्थियों का एक 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री अजय राय से मिला। अभ्यर्थियों ने अपनी परेशानी साझा करते हुए बताया कि शासन स्तर से भर्ती प्रक्रिया को जानबूझ करके टाला जा रहा है। ज्ञापन का संज्ञान लेते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को पत्र लिख करके भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया और ये तस्वीरें हैं जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। फिर से पेपर लीक को लेकर के चर्चाएं हैं। अभी 16 तारीख को आज से 2 दिन पहले प्रयागराज सहित अन्य शहरों में उत्तर प्रदेश के पीजीआई स्टाफ नर्स की परीक्षा हुई थी, उसके बारे में सूचना है। लिखा है कि पीजीआई प्रशासन ने बुधवार को नर्सिंग अफसर पर्चा लीक मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है। कमेटी को 2 दिन में रिपोर्ट सौंपनी है, साथ ही सीतापुर पुलिस रिपोर्ट भी मांगी है। सीतापुर के एक परीक्षा केंद्र पर मंगलवार को नर्सिंग अफसर परीक्षा के दौरान गड़बड़ी की सूचना पर पहुंची पुलिस को कई अभ्यर्थियों के पास सालों पेपर मिल गए। पुलिस ने 12 अभ्यर्थियों को हिरासत में ले लिया था। हिंदुस्तान में बुधवार के अंक में पीजीआई नर्सिंग अफसर परीक्षा में सेंध 12 दबोचे गए शीर्षक से प्रकाशित खबर के बाद पीजीआई प्रशासन ने जांच कमेटी गठित कर दी है। पीजीआई निदेशक डॉक्टर आर के घुमान ने बताया कि परीक्षा में गड़बड़ी की सूचना मिल गई है और अभी पेपर लीक की पुष्टि नहीं हुई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद परीक्षा के टालने पर निर्णय लिया जाएगा। नर्सिंग अफसर के 250 पदों के लिए मंगलवार को 3 शिफ्टों में परीक्षा आयोजित की गई। तीसरी पाली में करीब शाम 4:30 बजे इस परीक्षा केंद्र पर कई अभ्यर्थियों के पास हल पेपर मिल गए। यह देख करके वहां हड़कंप मच गया। पहले मामला दबाने का प्रयास किया गया था लेकिन हंगामा होने पर अफसरों को बताया गया। लिखा है कि वीडियो वायरल होने पर हरकत में आई पुलिस। पेपर के दौरान मामला परीक्षा केंद्र पर सामने आ गया था लेकिन तब दबाने की कोशिश की गई। परीक्षा छूटने पर अभ्यर्थी बाहर निकले तो उन लोगों ने हंगामा किया। कुछ लोगों ने वीडियो वायरल कर दिया। आरोप लगाया कि केंद्र में 10 या 12 लोग बाहर से थे और इनके पास पेपर लीक और जवाब थे। वीडियो वायरल होते ही एसपी चक्रेश मिश्रा भी टीम के साथ वहां पहुंच गए और 12 लोग हिरासत में ले लिए गए। वहीं पर एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती के बारे में जानकारी निकल करके आ रही है कि 22 जुलाई तक ये भर्ती की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो सकती है, यानी कि जो शासनादेश वगैरह है वो जारी हो सकता है, भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें, आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। नए आयोग को भी नई गाइडलाइन के अनुरूप करानी होगी परीक्षाएं। 2 प्रिंटिंग प्रेसों में छपवाने होंगे प्रश्न पत्र। केंद्रों पर कंट्रोल रूम से रखी जाएगी नजर। शिक्षा सेवा चयन आयोग में नई व्यवस्था के तहत शुरू की जाएंगी परीक्षाएं। अभी चूंकि शासन ने पेपर लीक इत्यादि पर लगाम लगाने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है कि किस प्रकार के परीक्षा केंद्र बनेंगे, पेपर किस तरीके से छपेगा, किस तरीके से एजेंसियों का चयन होगा, तो अब इसी प्रक्रिया के तहत जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है वो परीक्षाएं करवाएगा। यहाँ पर लिखा है कि स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति होने तक आयोग से सभी नीतिगत निर्णय अटके ही रहेंगे। आयोग के सूत्रों का कहना है कि नई गाइडलाइन के अनुरूप परीक्षा कराने के लिए शासन को पत्र भेज दिया गया है। स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति होने के बाद परीक्षा संबंधी गतिविधियां तेजी से आगे बढ़ेंगी, लेकिन इसको लेकर के अभी कई बहुत सारी चीजें हैं जो नए आयोग में होनी है। अभी तो चेयरमैन आएंगे, अन्य अधिकारियों की नियुक्तियां होंगी, उसके बाद में यहाँ पर जैसा कि लिखा है बजट वगैरह इसके लिए अलग से चाहिए, तो वो प्रक्रिया भी होगी और उसके बाद में आपकी भर्ती की प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी। बीबीए बीसीए में प्रवेश के लिए न्यूनतम 50% अंक जरूरी है। 2 मुख्य विषय अपने संकाय, तीसरा इलेक्टिव विषय और अपने या दूसरे संकाय से लेने का प्रावधान। राज्य विश्वविद्यालय ने जारी किए प्रवेश विषय चयन और अर्हताओं से जुड़े दिशा निर्देश। किस तरीके से एडमिशन होगा, क्या योग्यताएं होंगी, कौन कौन से कोर्स होंगे, एक वर्षीय कोर्स कौन कौन से होंगे, द्विवर्षीय कोर्स कौन कौन से होंगे, यहां पर उसके बारे में जानकारी दी गई है। लिखा है प्रोफेसर राजेंद्र सिंह राज्य विश्वविद्यालय और इसके संगठक महाविद्यालयों में प्रबंधन संकाय के बीबीए और कंप्यूटर विज्ञान संकाय के बीसीए पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर इंटरमीडिएट में सामान्य एवं ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 50% अंकों और अनुसूचित जाति जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 45% अंकों की अर्हता तय कर दी गई है। तो कम से कम इतने नंबर हों तभी आपका एडमिशन होगा। एनवीएस नवोदय विद्यालय में एडमिशन शुरू हो गए हैं जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। समाचार पत्र में ये विज्ञापन छपा है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। कक्षा 6 से एडमिशन यहाँ पर होगा। क्या पात्रताएं होनी चाहिए, यहाँ पर पात्रताओं के बारे में जानकारी दी गई है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 16 सितंबर है। वेबसाइट है navodaya.gov.in। एग्जाम एंट्रेंस का होता है तो उसकी भी तारीख बता दी गई है कि ग्रीष्मकालीन में 18 जनवरी को, शीतकालीन 12 अप्रैल को।
पूरी तरीके से निःशुल्क शिक्षा यहाँ पर दी जाती है इन आवासीय विद्यालयों में, और ये लगभग लगभग प्रत्येक जिले में होते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है, हर जिले में शिक्षा आवासीय विद्यालय, बालिकाओं के लिए अलग छात्रावास की सुविधा, निःशुल्क शिक्षा और प्रवास योजना के माध्यम से सांस्कृतिक आदान प्रदान, NCC, स्काउट गाइड्स और NHS इत्यादि। पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी होती है जवाहर नवोदय विद्यालयों में, और ये बताया भी है इन्होंने कि हमारा परिणाम किस तरीके का रहा। जितने भी विद्यालय हैं प्रदेश में, जेई मेंस में लिखा है कि 36.5% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, एडवांस में भी लिखा 32.3%, नीट में भी बहुत सारे विद्यार्थियों का चयन हुआ है, और हाई स्कूल और इंटर में सर्वश्रेष्ठ परिणाम आया है। और यहाँ पर बताया गया कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, कक्षा 10 में 99.09, कक्षा 12 में 98.90% का रिजल्ट है। चुनाव बाद युवाओं की बल्ले बल्ले, और जो चर्चाएं थी जिसको बीजेपी पहले समझ नहीं पाई थी चुनाव के समय, कोई भी पार्टी, अब वो समझ में आ गई हैं, और इसीलिए लोक लुभावनी जो योजनाएं हैं वो शुरू की गई हैं। समाचार पत्र में आज बहुत सारी जानकारी दी गई है इसको लेकर के, और युवाओं को आरक्षण भत्ते का ऐलान। महाराष्ट्र की पहले बात कर लेते हैं। लिखा है कि महाराष्ट्र में 12वीं पास को 6,000 और स्नातक को हर माह मिलेंगे 10,000 रुपये। भाई साहब नौकरी दीजिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार को लाडली बहना योजना की तर्ज पर लाडला भाई योजना का ऐलान किया है। कहा कि इस योजना के तहत महाराष्ट्र सरकार और 12वीं पास बेरोजगार युवाओं को प्रतिमाह 6,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा डिप्लोमा धारकों को 8,000 और स्नातकों को 10,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर की गई घोषणा को इसी साल होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जोड़ करके देखा जा रहा है। वहीं विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे युवाओं के बेरोजगारी के मुद्दे का भी जवाब माना जा रहा है। शिंदे बुधवार को सोलापुर जिले के पंढरपुर स्थित विठ्ठल मंदिर में आयोजित समारोह में बोल रहे थे। तो अच्छी योजना है, कोई बुरी योजना नहीं है, और बिल्कुल मिलना चाहिए, सभी को मिलता है। उद्योगपतियों को भी सब्सिडी मिलती है, और बेरोजगारों को अगर कुछ मिल रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, और ऐसा उत्तर प्रदेश की सरकार भी करे और अन्य सरकारें भी करें। साथ में जो स्थायी नियुक्तियाँ हैं और जितने भी रिक्त पद हैं उन पर भी भर्ती की बात करें। पूर्व दसम दसमोत्तर छात्रवृत्ति के लिए 20 तारीख से आवेदन शुरू हो गए हैं स्कॉलरशिप के लिए। लिखा पूर्व दसम व दशमोत्तर छात्रवृत्ति के लिए OBC श्रेणी के विद्यार्थी 20 जुलाई से 20 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को लेकर के भी आज सूचनाएं हैं। सिपाही भर्ती परीक्षा सितंबर में ही संभव है, और मैंने पहले भी आप लोगों से यही कहा था कि भले ही ये जल्दबाजी करें, इसमें अभी टाइम लगेगा। तो लिखा सिपाही नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती के लिए 6 माह में दोबारा लिखित परीक्षा कराने की कवायद में 1 माह की देरी हो सकती है। लिखा है बोर्ड के अधिकारी अगस्त में परीक्षा आयोजित करने की कवायद में जुटे थे, हालांकि कांवड़ की वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में परिवहन व्यवस्था प्रभावित होने और प्रदेश के 2 दर्जन से ज्यादा जिलों में बाढ़ के हालात की वजह से इसमें अब देरी हो सकती है। बता दें कि भर्ती बोर्ड ने परीक्षा केंद्रों के चयन का कार्य तकरीबन पूरा कर लिया है। अरे तो जब भी करवाना है आप एग्जाम डेट घोषित कर दीजिए, आपकी बात का क्या विश्वास। अभी आज कांवड़ की न्यूज है, फिर बाढ़ की न्यूज हो जाएगी, उसके बाद में फिर कुछ और हो जाएगा, नवरात्रि नवदुर्गा आ जाएगा। तो अगर परीक्षा करवानी है, अगर आप चाहते हैं कि सरकार की जो छवि है वो बने, तो आप लोग एग्जाम डेट घोषित करिए। प्राइवेट सेक्टर के जॉब में स्थानीयों को रिजर्वेशन, कर्नाटक सरकार ने राज्य में इसे लागू करने के लिए की थी तैयारी। कर्नाटक सरकार ने निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण लागू करने का फैसला किया है। राज्य मंत्रिमंडल ने निजी उद्योगों में कन्नड़ लोगों के लिए प्रशासनिक पदों पर 50% और गैर प्रशासनिक पदों में 75% आरक्षण लागू करने वाले विधेयक को मंजूरी दी है कि जो भी प्राइवेट संस्थाएं हैं वो नियुक्तियों में कन्नड़ भाषी लोगों को, कर्नाटक के लोगों को 75% और 50% रिजर्वेशन देंगी। IT समेत उद्योग संगठनों ने निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करने के फैसले पर नाराजगी जताई और इसे फासिस्ट तथा अदूरदर्शी कदम बताया। बताते चलें कि इससे पहले हरियाणा और कुछ अन्य राज्यों ने भी स्थानीय लोगों के लिए निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू किया था। हालांकि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा में लगाए गए आरक्षण पर रोक लगा दी, क्योंकि हरियाणा में बहुत सारी कंपनियां गुड़गांव वगैरह में आई हैं IT सेक्टर की और अन्य। इसी तरीके से बंगलौर कर्नाटक में बहुत सारी कंपनियां आई हैं, तो वहां की जो सरकारें हैं वो ये चाहती हैं कि ये जो कंपनियां आई हैं वो यहीं के लोगों को सॉफ्टवेयर इंजीनियर और कंप्यूटर डिजाइनर जो भी जॉब्स होती हैं इनको दे दें ये नौकरियां। ऐसा नहीं हो सकता है, ये बड़ी कंपनियां हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा है, और ऐसा नहीं है कि इन कंपनियों के आने से वहां के लोकल के लोगों का कोई नुकसान होता है। लोकल के जो वहां के स्थानीय लोग हैं वो अन्य तरीके से भी बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। जब कंपनियां वहां पर आएंगी तो वहां के लोग को अनेक तरीके का रोजगार मिलता है। आप लोग बंगलौर जाकर के देख सकते हैं, आप लोग गुड़गांव जाकर के देख सकते हैं। और अगर ये ऐसा करेंगे सभी राज्य,
जहाँ पर ये बड़ी कंपनियाँ आती हैं वहाँ के लोकल के लोगों को रिजर्वेशन देंगे तो फिर कंपनियाँ वहाँ से भागने लगेंगी, फिर हालात तो वही हो जाएंगे उड़ीसा, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश जैसे। तो जो मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। तो ये जो लोकल का रिजर्वेशन वाला जो सिस्टम है ये गलत है। हालांकि कंपनियों के दबाव की वजह से इसको सरकार ने वापस ले लिया है, अन्य समाचार पत्रों में जानकारी दी गई है, ये यहाँ पर देख सकते हैं। सिद्धारमैया सरकार ने निजी क्षेत्र में कर्नाटक के लोगों के लिए आरक्षण के फैसले पर बुधवार को रोक लगा दी। उद्योग जगत के विरोध के बाद ये कदम उठाया। स्थानीय उम्मीदवारों के लिए रोजगार विधेयक 2024 को सोमवार को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी। दिन में सिद्धारमैया ने बताया कि निजी संस्थानों में प्रशासनिक पदों पर 50% और गैर प्रशासनिक पदों पर 70% आरक्षण कन्नड़ भाषियों को देने की प्रस्ताव मंजूरी दी गई है। पीछे हट गई है सरकार, अब नहीं हटेंगे तो कंपनियां भाग जाएंगी। और पूर्व अग्निवीरों को हरियाणा में कोटा, 3 वर्ष की छूट, ग्रुप सी और डी पदों पर आयु सीमा में दी जाएगी। 5 लाख तक का ऋण व्यवसाय शुरू करने वालों को अग्निवीर के पहले बैच को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट। प्राथमिकता के आधार पर हथियार लाइसेंस मिलेंगे। लिखा है कि विधानसभा चुनावों से कुछ महीने पहले हरियाणा की भाजपा सरकार ने कांस्टेबल, वन रक्षक और जेल वार्डन भर्ती के साथ साथ अन्य पदों पर भी पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की बुधवार को घोषणा कर दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह भी कहा कि यदि कोई अग्निवीर अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो सरकार उसे 5 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराएगी। तो युवाओं के लिए आजकल चर्चा हो गई, जैसे कि मैंने आप लोगों से बताया, चाहे वो अग्निवीरों को हो, चाहे वो महाराष्ट्र में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट स्नातक पास लोगों को बेरोजगारी भत्ते की बात हो या कर्नाटक सरकार स्थानीय आरक्षण की बात कर रही हो। वहीं पर महाराष्ट्र की एक तस्वीर है वायरल जो समाचार पत्र में यहाँ पर दी गई है। लिखा, लोडर के पद के लिए हजारों बेरोजगारों का सैलाब। मुंबई हवाई अड्डे पर लोडर पद के लिए भर्तियां निकली थी। भर्ती में शामिल होने के लिए मंगलवार को हजारों की संख्या में युवा मुंबई हवाई अड्डे के दफ्तर पहुंच गए और यहाँ पर भगदड़ जैसे हालात हो गए। ऐसी ही कुछ तस्वीरें अभी गुजरात के एक होटल की वायरल हुई थी, जबकि उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार के द्वारा करोड़ों भर्तियों की बात की जाती है। RRC सेंट्रल रीजन से अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन मांगे गए हैं। 2424 पद है और इसकी लास्ट डेट 15 अगस्त है। वेबसाइट rrc.rrccr.com। बिहार से भर्ती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, एज लिखी हुई है 45 साल अधिकतम क्वालिफिकेशन, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और रिटन टेस्ट और इंटरव्यू होगा, इसकी लास्ट डेट वो 26 जुलाई ही है। झारखंड से भी वैकेंसी निकली है। JSSC से 864 पदों पर, JSSC और JIS 35 साल मैक्सिमम, कैंडिडेट हाई स्कूल और इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर लिखा है, CBT एग्जाम होगा और इसकी जो लास्ट डेट है वो 10 अगस्त है। कुछ और भर्तियों की बात की गई है। MPPSC मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से 690 पदों पर मेडिकल अफसर की भर्ती है। कैंडिडेट्स के पास MBBS की डिग्री होनी चाहिए और यहाँ पर ये इसकी वेबसाइट है mppsc.mp.gov.in। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने हाल ही में कुछ लोगों की पात्रता निरस्त की थी LT और प्रवक्ता में, तो उसमें भेदभाव को लेकर के यहाँ पर आरोप लगाया गया है। लेकिन राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापक LT एवं प्रवक्ता संवर्ग से अधीनस्थ राजपत्रित पदों पर पदोन्नति मिलने पर कार्यभार ग्रहण न करने वालों की पात्रता निरस्त करने में शिक्षा निदेशालय ने दोहरा मापदंड अपनाया है। महिला संवर्ग में तो पात्रता निरस्त कर दी गई, लेकिन पुरुष संवर्ग में ऐसा नहीं किया गया। अब पुरुष संवर्ग में पद स्थापन में संशोधन कर कनिष्ठों से पदोन्नति का अवसर छीना जा रहा है। अपर शिक्षा निदेशक राजकीय को पत्र लिख करके पुरुष संवर्ग में भी कार्यभार ग्रहण न करने वालों की पात्रता निरस्त करने की मांग की गई है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में नेक्स्ट वीक से होगा PG में प्रवेश। यूनिवर्सिटी घोषित कर चुकी है एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट। अगले सप्ताह विभागों के हवाले से हो जाएगा PGAT का परिणाम। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में स्नातक से पहले प्रास्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश शुरू होंगे। प्रास्नातक प्रवेश परीक्षा का परिणाम जारी करने के बाद विश्वविद्यालय में अगले सप्ताह से प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो, तो वीडियो को लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।